हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। तमाम सहूलतों और कोचिंग फैसिलिटीज़ के साथ में तो कामयाबी करते हुए लोग अक्सर हर साल हमें देखने को मिलते हैं। असल चीज़ यह है कि जब बेपनाह परेशानियां हों, दुश्वारियां हों और उसके बावजूद आप बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करें तो ये वाकई काबिल-ए-दीद है। इस तरीके की मिसालें हमारे सामने अक्सर देखने को मिलती रहती हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो बहुत ही कमज़ोर तबकों से हैं, बहुत परेशानियाँ उनके सामने रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही अच्छे काम करके दिखाते हैं। जैसा कि रिसेंटली इसी साल में, पिछले एक साल में हमने देखा कि कांस्टेबल फिरोज़ आलम, जो कि एक कांस्टेबल की हैसियत से काम कर रहे थे, उन्होंने IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखाया। उसके बाद में असमा शेख, जो कि एक फुटपाथ पर रहने वाली बच्ची है मुंबई के, और उसने भी 10th स्टैंडर्ड स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके पास करके दिखाया। इसी तरीके से भिलाई के अभिषेक सिंह, जो कि एक बहुत ही गरीब ख़ानदान के लड़के थे, उनके वालिद ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उन्होंने भी एज ए बहसियत सोल्जर आर्मी ज्वाइन की और उसके 2-3 साल के अंदर ही अंदर ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम पास करके लेफ्टिनेंट बन गए। और अब ये कारनामा मुंबई के करीब में वाक़ एक छोटा शहर मुंब्रा की एक लड़की जिसका नाम है जरीन खान, उसने CA का ऑल इंडिया एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक हासिल करके ये रिकॉर्ड कायम किया है। उसने तारीख रकम कर दी है। यकीनन ये बहुत ही बड़ा कदम है। और वो जरीन खान, जिसके पास सहूलतें नहीं थीं, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। ख़ुद उसके वालिद एक ऑटो रिक्शा मैकेनिक हैं, जो कि नवी मुंबई में एक गैरेज में काम करते हैं। वो ख़ुद 1-room kitchen 300 square feet के रूम में मुंब्रा में रहती है, किराए के मकान में रहती है। उसके साथ में उसके 2 भाई और एक छोटी बहन भी है और वालदैन हैं। जरीन खान ने मुंब्रा के ही पटेल हाई स्कूल से 1st से लेकर 10th तक की तालीम जो थी उर्दू मीडियम से हासिल की। 10th का एग्ज़ाम 2011 में उसने 85% मार्क्स से पास किया और 2013 में उसने 12th एग्ज़ामिनेशन पास किया। ग्रेजुएशन के लिए भांडुप के DAV कॉलेज में उसने एडमिशन लिया और वहाँ पर भी 80% मार्क्स लेकर के 2016 में ये एग्ज़ामिनेशन पास किया। 2017 में उसने CA के लिए लोगों को बात करते सुना, अपने कॉलेज मेट्स को भी देखा कि कॉमर्स के हम BCom कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए हमें प्रोफेशनली कोई कोर्स करना पड़ेगा। और उसके साथ ही बहुत से जो उसके क्लास फेलोज़ थे वो भी CA का कोर्स की तैयारी कर रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। वहीं जाके जरीन खान को पता चला कि हाँ, CA एक फील्ड है और बाकायदा इसमें जो है एक करियर बन सकता है, बहुत अच्छा करियर बन सकता है। 2017 में उसने अपने को इनरोलमेंट किया CA के लिए, लेकिन फिर पढ़ाई की पूरी सहूलत ना होने की वजह से 2 साल का उसने गैप लिया, लेकिन इस दौरान वो सर्विस करती रही और अपने को उसने एक इंस्टीट्यूट में इनरोल किया CA की तैयारी के लिए। और जो भी नौकरी वो करती थी वहाँ की फ़ीस से वो उस क्लासेस की फ़ीस अदा करती थी। वालदैन ने भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया कि जब देखा कि बच्ची ज़हीन है और पढ़ने में बेपनाह दिलचस्पी भी है, तो वालदैन ने भी कहा कि हाँ, तुम आगे पढ़ाई करो। लेकिन उनके वसाइल इतने नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जरीन खान ने अपनी तालीम जारी रखी और तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो पढ़ती रही। सोच लीजिए कि एक रूम और किचन के घर में पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जरीन खान खुद कहती हैं कि मैं 10 से 12 घंटे रोज़ाना जो थी मैं स्टडी करती थी। मैं रेगुलरली तो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। और स्टडी करने के लिए, चूँकि मुंब्रा के जो मेन रोड है उसके बिल्कुल करीब में ही बिल्डिंग होने की वजह से दिन में अक्सर शोर बहुत ज़्यादा रहता था, तो वो रात रात भर अपनी स्टडी करती थी और 10 से 12 घंटे की स्टडी उसको करना पड़ती थी। और ये स्टडी भी कमरे में नहीं बल्कि किचन में बैठ के करना पड़ती थी। वहाँ से उसने अपनी कंटिन्यूस तैयारी की, हालांकि वो बहुत हेजिटेंट थी, उसको ख़ुद भी यकीन नहीं था कि वो एग्ज़ाम पास कर सकेगी। और लेकिन फिर जब तैयारी करने के बाद में ये जब लॉकडाउन हो गया तो उस वक्त भी ऑनलाइन क्लासेस चलते रहे। जरीन खान ने सर्विस के साथ में अपनी तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो दी और कोई बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ में एग्ज़ाम में नहीं बैठी थी, बल्कि वो तो ये सोच रही थी कि शायद मैं पास भी हो जाऊँ तो बड़ी बात है। और वैसे भी CA का एग्ज़ामिनेशन हिंदुस्तान के बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम्स में गिना जाता है, लेकिन वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जरीन खान ने अपने झंडे गाड़ दिए।
कहने का मतलब यह है कि जब जरीन खान इम्तहान में बैठी तो उसको यकीन नहीं था कि वो पास हो पाएंगी, लेकिन जब उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि ना सिर्फ तुम पास हुई हो बल्कि ऑल इंडिया में नंबर वन रैंक हासिल किया है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, मकामी तंजीमें हैं, ख़ुद अपने उसके स्कूल में उसके लिए बहुत ही प्रोग्राम्स किए गए और उसको ये के बढ़ावा दिया गया कि किस तरीके से उसने अपने वालदैन का, अपने स्कूल का और अपने शहर मुमरा का नाम रोशन कर दिया है। इसको ये देखते हुए उसके जो भाई हैं, दो छोटे भाई हैं जो कि टेंथ पास करने के बाद में मुमरा की ही एक दुकान में, कपड़े की दुकान में सेल्समैन के हैसियत से काम करते हैं। उसकी छोटी बहन है, उसने भी बीएससी किया है लेकिन वो भी कहीं सर्विस कर रही है। अब इन चीज़ों को देखते हुए, अपनी बहन की कामयाबी को इस तरीके से देखते हुए, उसके सिबलिंग्स में यानी कि उसके बहन भाइयों में भी जोश चढ़ गया कि हम भी पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ें। तो ये इन तमाम रुकावटों के बावजूद जरीन खान ने जो काम किया है वो यकीनन काबिले सताइश है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ख़ुद उनके वालदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहरहाल उसको हौसला दिया और आगे बढ़ाते रहे। कहने मकसद क्या है कि हमारे अक्सर बच्चों को बहुत सी फैसिलिटीज़ हासिल हैं, अच्छे स्कूल्स दस्तयाब हैं, अच्छी कोचिंग्स भी मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी तवज्जो न करने की वजह से पीछे रह जाते हैं। यहाँ ये सीखने की बात है कि अगर हम भी जरीन खान से या फिरोज़ आलम साहब से या अभिषेक सिंह से अगर हम उनसे सीख ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई वजह नहीं कि अगर आप हौसला कर रखें, एक बार तय कर लें और तन मन धन से अगर मेहनत करने लगें तो कामयाबी आपके कदम ना चूमें। बस ये है कि डेडिकेशन और फोकस के साथ अपने गोल के ऊपर नज़र रखिए, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट।